मैं तो अल्लाह के आसरे अपने बच्चों के आसरे बैठी हूँ, मेरे तो कोई भी नहीं है भाई, मेरे तो कोई भी नहीं है भाई। गम से निढाल ये माँ है बशीर उर्फ शेरा की, जिसे पीर की शाम नामालूम दहशतगर्दों ने हाजी मुरीद गोट में फायरिंग करके हलाक किया। शेरा घर के करीब गोला गंडे का ठेला लगाता था। वारदात के वक्त शेरा का बेटा भी उसके हमरा था, जो मौजाती तौर पर बच गया। तीन बंदे, एक अब्बू और दो एक बच्चा था, एक आदमी था, उस तीनों को गोलियां लग गई, दो दो सूटे मर गए थे। मकतूल बशीर उर्फ शेरा अपने घर का वाहिद कफील था। जालिमों ने क्यों मारा मेरे अब्बू को, क्यों मारा? एक ही अब्बू का ही सहारा था, वो ही नहीं है हमारी जिंदगी में, और दोनों ही दोनों के दोनों छोटे भाई हमारे। दहशतगर्दी के इस वाकये में शेरा के अलावा 9 साल का बच्चा आलम भी हलाक हुआ, जो घर से गोला गंडा लेने के लिए निकला था। बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे, छोटा सा हमारा बच्चा खामखा जा रहा था गोला गंडा लेने, उसके ऊपर फेयरिंग करके मारा। तीन बेगुनाह अफराद की हलाकत पर गुलबहार खामोश कॉलोनी हाजी मुरीद गोट में दुकानें और कारोबार बंद रहा। शहर में टारगेट किलिंग की वारदातों में इजाफे पर शहरियों में तश्वीश पाई जाती है। बहुत परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चों के सामने गाड़ियां लेने जाते हैं, मारते हैं, मारते हैं, मारते हैं। लोगों के माँ के लाल मरते, घर उजड़ते, कोई अच्छी बात थोड़ी है। हम पुलिस वाले को यही कहते हैं कि पुलिस वाला कोई अमन नहीं कर सकते, इनसे हम मुतमीन नहीं है। कराची में टारगेट किलिंग के सबसे ज्यादा वाकयात मलीर शाह फैसल कॉलोनी, लांडी और कोरंगी में हुए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि टारगेट किलिंग के मुकदमात में नामजद मुलजिमान समेत 40 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। कराची में टारगेट किलिंग की हालिया वारदातों में शेरा समेत कई बेगुनाह अफराद हलाक हो चुके हैं। इनके लवाकिन का हुकूमत से मुतालबा है कि यह सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ फैसल शकील, ARY न्यूज़ कराची।